तो चलिए दोस्तों, 21 मई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस और हरियाणा की न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट्स के एजुकेशन लोन का कितने महीने तक ब्याज भरने का जिम्मा लिया है? तो ये लिया है 3 महीने तक का। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आज की हरियाणा की टॉप न्यूज़। हरियाणा में 993 पहुंचा कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। आज हरियाणा में हुई कोरोना से 15वीं मौत। गुरुग्राम के 38 वर्षीय युवक ने रोहतक पीजीआई में तोड़ा दम। नहर में नहाते समय दिल्ली के 3 इंजीनियरों की हुई मौत। अब हिसार से अजमेर और गुरुग्राम से जयपुर के लिए भी चलेंगी हरियाणा रोडवेज की बसें। बंद पड़े उद्योगों को भी बिल भेज रही हरियाणा सरकार। हुड्डा बोले, ऐसे समय तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देनी चाहिए थी। दिल्ली बॉर्डर से गुरुग्राम में जबरदस्त घुसने की कोशिश कर रहे लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। फरीदाबाद में ऑड इवन के हिसाब से खोली गई दुकानें। सोनीपत में बीपीएस मेडिकल कॉलेज की 5 नर्स संक्रमित मिलने पर स्टाफ ने किया हंगामा, कहा नए ही कंटेनमेंट जोन बनाया और नए ही क्षेत्र को सैनिटाइज किया। सड़कों पर निकले 11,000 से ज्यादा प्रवासियों को रखा गया राहत कैंपों में। उद्योगों पर मंडराया बड़ा खतरा। 57% उद्योग इसलिए नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि श्रमिक कर चुके हैं पलायन। हरियाणा में 18 जिलों में लगाया गया रोस्टर सिस्टम, बाकी 4 जिलों में खुला पूरा बाजार। हरियाणा में 12 जगहों से चली लंबे रूटों की 65 बसें। 10,000 श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन के द्वारा उनके घर भेजा गया। अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सिर्फ स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर से ही मिलेगा आपको दाखिला। रोहतक से 1427 श्रमिकों को लेकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई स्पेशल श्रमिक ट्रेन। पीजीआई में आए बगैर ही फोन पर ही मरीजों को बताया जा रहा है इलाज का तरीका। सलाह के लिए व्हाट्सएप नंबर देने की जा रही है अपील। सोनीपत के खरखोदा में एसबीआई के एटीएम में लगी भीषण आग, 2 मशीनें और पैसे जलकर हुए राख। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच हुई अहम बैठक में लिया गया फैसला, जल्द घर वापस लौट सकेंगे सभी प्रवासी मजदूर, दूसरे राज्यों से एनओसी की भी जरूरत नहीं। 343 फैक्ट्रियों में काम शुरू, 5,000 श्रमिकों को फिर से मिला रोजगार। 22 मजदूरों ने कैंसिल करवाया रजिस्ट्रेशन, घर जाने की बजाय अब पहुंच रहे हैं कारखानों में। गृह मंत्री अनिल विज बोले, हरियाणा सरकार नहीं शुरू करेगी अंतर्राज्यीय बस सेवा। सीएम भी इस बात से हैं सहमत। रेलवे स्टेशन पर यदि यात्री के शरीर का तापमान ज्यादा मिला तो यात्रा होगी कैंसिल, टिकट का मिलेगा पूरा रिफंड। हिसार में निगम कार्यालय में बिना मास्क के घूम रहे थे अधिकारी, काटे गए चालान। अब सिर्फ पंचकुला और गुरुग्राम के लिए ही चलेंगी बसें, दूसरे जिलों में जाने के लिए रोडवेज विभाग ने टिकट बुकिंग साइट बंद की। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए पीजी रोहतक को सरकार की ओर से 40 नए वेंटिलेटर दिए गए। जिले के अलग अलग स्थानों से 1054 श्रमिक मजदूरों को भेजा गया रोहतक, ट्रेन के द्वारा इन्हें भेजा जाएगा मध्य प्रदेश। पब्लिक हेल्थ मैनेजर भर्ती छाई विवादों में, कैथल में 5वीं बार हुआ इंटरव्यू रद्द। झज्जर बादली व बेरी उपमंडल के अंतर्गत कुल 16 रोडवेज बसों से 548 प्रवासी श्रमिकों के मध्य प्रदेश जाने वाली स्पेशल श्रमिक ट्रेन के लिए गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर भेजा गया। तो ये थे दोस्तों आज की हरियाणा की टॉप न्यूज। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, मुंबई में हरियाणा के किस व्यक्ति को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो काफी सारे लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो इसका आंसर है परमवीर भड़ाना को। परमवीर भड़ाना हरियाणा में फरीदाबाद के पावटा गांव से संबंध रखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा के किस आईएएस अधिकारी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है और इसका जो आंसर है वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली सभी हरियाणा की करंट अफेयर्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।